हेलो गाइस, कैसे हो सारे। और आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, अभी नहाया भी नहीं हूँ। तो आज मैं इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ड्यूक का है उसका मैं VIP नंबर ले लिया हूँ। बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही महंगा नंबर है वो, तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और एकदम मतलब आपने कभी वैसा नंबर देखा नहीं होगा, वैसा मैंने लिया है। और VIP नंबर का बात आया तो आपको VIP नंबर का सीन बताता हूँ। पहले तो ये देखो गाइस, ये क्या है, ये देखो, ये है चैन ल्यूब, ये है मोटुल का कूलेंट, ये है ब्रेक ऑयल। तो अभी मेरे को करना है चैन ल्यूब, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं है अभी जो गाड़ी को ऐसा उठा सके, तो अभी नहीं करेंगे। और ये कूलेंट है, मैं डाल चुका हूँ, ब्रेक ऑयल मेरे को डालना है। तो आपको VIP नंबर चेक कराता हूँ फट से, कौन से VIP नंबर मैंने लिया है। तो चलो, एकदम आपके लिए सरप्राइज होगा। तो गाइस, इसके नीचे है वो नंबर, VIP नंबर। तो पर्दा उठा दिया जाए क्या? तो चलो, ये चेक करो भाई, VIP नंबर आलोक वन। अभी मैं पूरा खोल देता हूँ इधर से, पीछे से आपको अच्छे से दिखेगा फिर। तो ये चेक करो, आलोक वन नंबर है इस गाड़ी का। तो गाइस, ये VIP नंबर मैंने जो लिया है, इसका रेट है आपको मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा है क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम है और एक वन नंबर है आलोक वन। तो ये नंबर मैंने लिया नया, और इसमें राइड भी मारेंगे बहुत जल्दी। हाँ, मोटो व्लॉग आने वाला है। तो अभी गर्मी का दिन है यार, धूप चेक करो आप, धूप चेक करो, इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है ये बाइक, क्या बताऊँ। पूरा पैर वैर सब जलने लग जाता है, और गर्मी के दिन में मैं निकलता भी नहीं घर से बाहर, है ना। और जो मैं चैन ल्यूब है वो मतलब चैन क्लीन है वो मैंने कर लिया था। और जो कूलेंट है वो कहाँ पर डलता है आपको बता देता हूँ। जो बड़ा सा ऑयल टाइप का डब्बा दिखाया था ना, जो कूलेंट था वो यहाँ पर डलता है। तो एक मिनट, यहाँ पे तो आपको क्या करना बताऊँ, ये जो कूलेंट का यहाँ पे लोकेशन ये आ रहा है ना, कम ज़्यादा, तो अगर कम हो गया तो आप यहाँ से भर सकते हो, अगर कूलेंट ख़राब हो गया तो इधर से आप खोल के पूरा गिरा देना और नया कूलेंट डाल लेना। तो ऐसा करना है आपको। और ब्रेक ऑयल अपना यहाँ पे डलेगा, ये दो नट खुल के, और एक पीछे का यहाँ पे डलेगा। तो वो भी मैं सब चीज़ अभी घर में रखा हूँ, क्यों रखा हूँ बताऊँ, क्योंकि KTM वाले ने बाइक में कुछ नहीं डाला था, इसलिए मैं सब ले लिया, मैं अपना घर में डाल लूँगा अभी। सो गाइस, कैसा लगा मेरा VIP नंबर आप मेरे को कमेंट में बताना, काफ़ी ज़्यादा महंगा नंबर है वो, क्या बताऊँ आपको। और उसके लिए बीडिंग भी हुआ था मेरा ऑनलाइन, तो जैसे ही बीडिंग हुआ और मेरे को नंबर मिल गया, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया मैं उस नंबर पर, तो मैंने फिर वो नंबर ले लिया। और मेरे को ये बताना, आप ऐसा नंबर कभी देखा है कि नहीं? तो आपने तो नहीं देखा होगा, पहली बार ही देखा होगा मेरे वीडियो पे। तो नंबर वाला सीन अपना हो गया है, नया नंबर ले लिया अपन ने, VIP नंबर। और गाइस, आपको मैंने बताया था ना कि ये जो मार्केट से लिया हूँ ये मैं ऑयल, ये बोस का ऑयल है बोला है, सील पैक भी है ऊपर से, लेकिन यार इसमें बोस का कहीं मार्किंग ही नहीं है यार, ये देखो स्टिकर ही नहीं है इसमें। तो पता नहीं यार मार्केट वाले का क्या सीन है, साले उल्टा सीधा भर के देते हैं कि क्या भर के देते हैं पता नहीं। और गाइस, ये वाला आप भी डाल सकते हो अपने बाइक पे, बोस का है ये ब्रेक ऑयल, बोलना डिक्स ब्रेक, मतलब डिक्स जो ड्यूक के लिए है बोलना, KTM की बाइक है ड्यूक, उसके लिए है ये ऑयल बोलना, तो ये आपको देगा डिक्स के लिए। ये देखो इतना सा बस भर है, पूरा भी नहीं है। तो ये आया था मेरे को 50 रुपये का, तो ये 50 रुपये का है। और कूलेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखो इतना मतलब पूरा पैक था ये, मैं 300 ml ही आया मेरे गाड़ी में, 1, 2, 3, हाँ, तो मेरे गाड़ी में 300 ml ही आया उस डब्बे में। और ये है कूलेंट, तो ये भी आप डाल सकते हो अपनी ड्यूक पे। और से दो प्रकार का आता है ऐसा सेम, लेकिन ये भी अच्छा है, मतलब मोटुल का ही आता है यार, जैसे मोटुल का इसमें ब्रेक सॉरी मोटुल का इंजन ऑयल डालता है, वैसे सेम कूलेंट भी ऐसे ही आता है। ये देखो मोटुल का कूलेंट 1 लीटर का है ये, और यहाँ पे लिखा हाइब्रिड टच और एंटी फ्रीज, है ना। तो ये डाल सकते हो आप भी। और यह है चैन ल्यूब मोटुल का ही। तो ये सब चीज़ मैं ले लिया क्योंकि मेरे को बाहर का काम मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल भी, उल्टा सीधा डाल देते हैं यार, कोई अच्छे ब्रांड का डालना चाहिए ना, तो अच्छे ब्रांड का डालते नहीं। मोटुल सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रांड है क्योंकि इसी का इंजन ऑयल डलता है बाइक पर, और चैन लूप भी मैं उसी का यूज करता हूँ। ये देखो ये बड़ा सा जो चैन लूप दिख रहा है ना, ये कितने का बताऊँ आपको, ये आता है 550 का है ये, हाँ, और चलता भी काफ़ी दिन है, आप बहुत बार लूप कर देगा। वैसे तो मैं पहले छोटा वाला रखा था, उससे मैं किया था 4-5 बार चैन लूप कर लिया था छोटा वाले से, एकदम छोटा होता है, रखा भी है मेरे पास, दिखा दूँ। ये देखो ये वाला जो चैन लूप है ना, ये
उस समय लियो के। यहाँ देखो मेरा बैग हेलमेट सब इसमें रखा रहता है, जब राइड पे जाना हो तब निकाल लेते हैं। और अभी मैं राइड पे नहीं जा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी चेकिंग बहुत हो रहा है, तो ऐसे फालतू में उन लोग रोक रहे हैं तो मैं राइड पे नहीं जा रहा, उधर जाऊँगा भी नहीं। जैसे कि आपको पता होगा अभी जब मैं लास्ट टाइम राइड पे गया था ना, उधर मेरा चालान कट गया था, ओवर स्पीड का लिमिट था 65 और मैंने 130 की स्पीड से मैं चला रहा था, मेरी गलती है मैं मानता हूँ। लेकिन 6 लेन रोड पे लिमिट 65 अच्छा नहीं है, कम से कम 80 रखना चाहिए, है ना। और इसलिए मैं अब राइड पे उधर जाना बंद करिए, ऐसे अपना शॉर्ट और राइड मारेंगे गर्मी थोड़ा सा ख़त्म होने दो। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, अभी ब्लॉग नहीं आने का रीज़न ये है कि अभी हमारा कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो उधर ही मैं बिजी हूँ इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। तो आज मैं आज VIP नंबर का वीडियो बना दिया और आपको बता भी दिया कि बाइक में क्या क्या आप अच्छे चीज़ डाल सकते हो, जैसे कि ये सब, है ना। तो छोटा सा था यार वीडियो, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 5 मिनट का ही वीडियो होगा ये, 5 मिनट का ही वीडियो होगा ये। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पता नहीं मोटो व्लॉग होगा कि ऐसे ही व्लॉग होगा। तो ये तो ऐसे सिंपल सा व्लॉग था, आपको मेरे को मेरे बाइक का नंबर दिखाना था तो दिखा दिया मैंने, और वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा मेरे को पता नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, लेकिन सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।